नमस्कार जी, कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं कई दिन के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी मुझे पैर में, आप लोगों से मैंने पहले भी बताया था, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे मेरे यहाँ हिबिस्कस के फूल खिले हैं। ये फ्रेंड्स वाइट फ्लावर्स हैं और काफ़ी सारे खिले हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये बोगनविलिया देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये बोगनविलिया फ्रेंड्स, इसमें मैंने इसको बांध दिया था, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स दो तरीके के फूल आ रहे हैं, ये वाइट है और ये पिंक। और इसकी जो पत्तियां हैं वो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं फ्रेंड्स। और यहाँ भी फ्रेंड्स ये वाइट वाला हिबिस्कस के फूल खिले हैं। इधर फ्रेंड्स ये गुलाब के छोटे छोटे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपने गार्डन में थोड़ा सा केयर कम कर देते हैं तो उसका जो काफ़ी सारा नुकसान भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स। मैं कई दिन बाद ऊपर आई हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी फ्लावर्स दिखाए कि काफ़ी क्वान्टिटी में खिल रहे हैं, उसके बावजूद फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है, जिनकी मैं रोज़ कहीं ना कहीं केयर करती रहती थी फ्रेंड्स। मैं पैर की वजह से थोड़ी सी लाचार हो गई थी, ऊपर नहीं आ पा रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लटक गए हैं या फिर उनकी ब्रांचेस टूट गई हैं, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो देखती हूँ कैसे उसकी भरपाई होती है फ्रेंड्स। बट मैं आज आपको ये मेरा ये छोटा सा मैंने एक पॉट बनाया था, उस पॉट में फ्रेंड्स मैंने गोल्डन हेज की कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स पिछले साल। चल तो ये काफ़ी टाइम से रही है इसमें फ्रेंड्स, बट अभी ये काफ़ी अच्छी निकल के आई है। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, इसको आप शो के लिए कहीं भी इंडोर लगा सकते हैं। ये फ्रेंड्स इंडोर और आउटडोर काफ़ी खूबसूरती से चलता है, इसको ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको इंडोर ही चलाएं, इसको आप आउटडोर भी चला सकते हैं और इंडोर भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा चलता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसको शेमी शेडी एरिया दे रखा है, जहाँ पे काफ़ी खूबसूरती से निकल के आया है। और फ्रेंड्स दूसरा, इसमें फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। इस प्लांट का नाम फ्रेंड्स आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गोल्डन हेज इस प्लांट का नाम है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको एक सरसों के तेल की बॉटल है उसमें लगा रखा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट इसको मुझे निकाल के लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है फ्रेंड्स वो मैंने पॉट के ऊपर तक भर दी है और इसमें जो पानी है वो कम आता है और मुझे जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है फ्रेंड्स इसमें। तो इस वजह से मुझे पूरा पॉट खाली करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा काम है। और मैं अभी फ्रेंड्स अपने पैर की वजह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं कर पा रही हूँ अपने गार्डन एरिया में फ्रेंड्स, तो सोचा कि मैं आप लोगों से आज अपने इस खूबसूरत गोल्डन हेज की वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँ। ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इस टाइम देख रही कितनी खूबसूरती से हो रहा है। आप इसको फ्रेंड्स किसी भी तरीके के पॉट में लगा के ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती हो या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो फ्रेंड्स, जहाँ पर काफ़ी खूबसूरती हवा भी थोड़ी बहुत चाहिए होती है। वैसे इसको विंडो वगैरह के पास रख दें, काफ़ी खूबसूरती से चलता है फ्रेंड्स ये प्लांट। और इसमें फ्लावर्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पर्पल कलर के आते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। और केयर की बात तो ऐसी फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा किसी केयर की ज़रूरत नहीं है, एक बार इसकी कटिंग लगा दें फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरती से होती रहती है। कटिंग से होने वाला प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और मैंने फ्रेंड्स इसको कटिंग से काफ़ी जगह लगा रखा है, अच्छा लगता है। इस तरीके के डबल लीव्स वाले जो प्लांट हैं, सॉरी डबल लीव्स कह रही हूँ, डबल लीव्स के कलर वाले जो प्लांट हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स, अपने में ही काफ़ी अट्रैक्टिव करते हैं। इसमें फ्लावर्स आए ना आए, ये ऑलरेडी काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो अगर इसको आपको बुशी बनाना है तो फ्रेंड्स इसकी ब्रांचेस की थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दें, ये और ज़्यादा निकल के आता है इस तरीके से।
तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ अपने इस गोल्डन हैच पर। अगर आपको लगता है कि आपका गोल्डन हैच थोड़ा सा कम बुशी है तो आप भी फ्रेंड्स उसकी कटिंग करें। और जो इसकी कटिंग निकलती है फ्रेंड्स, वो छोटी सी छोटी जो कटिंग होती है वो भी बड़ी इजली लग जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आप भी कोशिश करें फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इजली मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स।